सब्सक्राइब कीजिए बियर क्राफ्टिंग चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें और देखें फैशन एंड होम मेकिंग वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बियर क्राफ्टिंग में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही यूनिक है और स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले बहुत ही खास चीज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है और मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है, तो मास्क के साथ साथ फैशन को भी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो मास्क से रिलेटेड है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्कार्फ मास्क। तो आजकल लेडीज बुटीक पे मास्क अपने जो कपड़े हैं उसके मैचिंग के सिलवा रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अलग तरीके का एक मास्क बनाएंगे जो कि आपके स्कार्फ से बिल्कुल अटैच होगा और देखने में बहुत ही यूनिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, स्कार्फ मास्क बनाने के लिए यहाँ पे हमने स्कार्फ ली है, यानी कि चुन्नी ली है एक, और इससे हम मास्क बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया एक यहाँ पे मैचिंग करता हुआ फैब्रिक। तो सबसे पहले हम मास्क की यहाँ मार्किंग और कटिंग करेंगे और एक मास्क तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम अपने स्कार्फ से इसको अटैच करेंगे। मास्क के लिए यहाँ पे हमने अलग से कपड़े की कटिंग कर ली है और इसकी मैं लेंथ बता दे रही हूँ आप सभी को। तो इस तरीके से यहाँ से हमने 18 इंच लिया है और इसकी जो चौड़ाई हमने 9 इंच रखी है। तो पहले इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल बराबर। डबल फोल्ड करने के बाद हम तीनों साइड से अंदर की तरफ कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके और एक स्क्वायर शेप में इसकी सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों साइड से सिलाई लगा के इसको हमने सीधे साइड से पलट लिया है। सीधे साइड से पलटने के बाद इस साइड भी हम सिलाई लगा के इसको फिनिश कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद पहले हम एक इंच एक के ऊपर एक रखेंगे और ऐसे एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद फिर से हम एक इंच को एक के ऊपर एक रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे हम मास्क का शेप देंगे। तो देखिए, यहाँ पे दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पे इलास्टिक कट किया हुआ है, बिल्कुल पतली वाली इलास्टिक लेंगे और इस तरीके से हाफ हाफ इंच अंदर करते हुए हम दोनों साइड इसे अटैच कर लेंगे और अपना मास्क तैयार कर लेना है। दोनों साइड हमने इलास्टिक को यहाँ पे स्टिच कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारा मास्क बन करके तैयार है। अब ये हमारी चुन्नी, इसे हम खोलेंगे और इसको हम लेंथ वाइज डबल फोल्ड करेंगे पहले और इसका एक सेंटर निकाल लेंगे। लेंथ वाइज फोल्ड करने के बाद इसका सेंटर ये है और अब इसे हम फिर से डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। डबल फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है सेंटर, पहले यहाँ पे एक हम निशान लगा लेंगे। अब चुन्नी को हमने डबल फोल्ड कर लिया है तो पहले हम इसे एक साथ डबल फोल्ड में पूरी लेंथ में हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे स्कार्फ की सिलाई लगा ली है, अब इसका सेंटर ये है। इस तरीके से हम मास्क को रखेंगे और ये सेंटर को मैच करते हुए स्कार्फ को हम ऊपर रखेंगे, बिल्कुल हल्का सा ऊपर रखेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ सिलाई को हम लॉक करके इसको हम फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने नीचे की तरफ एक सिलाई लगा ली है और मास्क को स्कार्फ के साथ अटैच कर लिया है। तो आप देख सकते हैं स्कार्फ मास्क बन करके तैयार है और कितना कम टाइम में हमने इसे तैयार किया घर पे। अगर आपको भी मैचिंग की मास्क बनानी हो तो आप घर पे पड़े कपड़ों का यूज़ करके खुद से ही मास्क बना सकते हैं और अपने ड्रेस के साथ ट्यूनिंग कर सकती है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि वीडियो कैसी लगी, और आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी हमें ज़रूर दें, इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।